हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य में चुनाव की तारीख नजदीक आने से प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बॉर्डर पर भी पुलिस टीम की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा विधानसभा में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर यूपी से उत्तराखंड की सीमा में आने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है, जिसके लिए खटीमा क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह की लिकर मॉनिटरिंग टीम आने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि चुनाव में आचार संहिता के मद्देनजर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और जो वाहन संदिग्ध लग रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने पे माननीय जिलाधिकारी द्वारा जो टीम बनाई गई है, तो टीम द्वारा संदिग्ध जगहों पे छापेमारी के साथ साथ अंतर्राज्यीय जो सीमाएं संदिग्ध सीमाएं हैं उन पे वाहनों की बड़ी सख्ती से जो है प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है, जिसमें कोई अवैध मदिरा सामग्री या जो भी है उस सब वाहनों को चेक करके ही यहाँ से पास किया जा रहा है। और भविष्य में भी जब तक राज्य में आचार संहिता लागू रहेगी और ये प्रवर्तन कार्य टीम द्वारा जारी रहेगा। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।